हेलो ऑल, वेलकम टू ट्यूटी गाइड। अभी हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर इनप्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन और नंबर लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन को देखो, ऐसे आपको शेडेड मतलब पिक्चर्स दिए जाएंगे, ओके, क्वेश्चन में, और ऐसे शेडेड किए रहेंगे। आपको निकालना है और आपको लिखना है, दिखाना है कि आपको शेडेड पोर्शन कितने परसेंटेज है। ये पिक्चर में कितने परसेंटेज है? ये हमारा 1 2 3 4, तो कितना पोर्शन हमारा शेडेड ही है? शेडेड हमारा 3 पोर्शन है, तो हम इसको लिखेंगे 3/4, क्योंकि हमारा टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इधर इधर हमारा कितना पार्ट? 1 2 3 4, तो कितने पार्ट हमारा शेडेड हुआ है? 1/4, और इधर 1/3, क्योंकि 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया। ऐसे करके आपको पहले टोटल नंबर काउंट करना है कितना पोर्शन है, और उसी पोर्शन से आपका कितना शेडेड है, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9, तो 3/9, 1/3, ओके, ऐसे आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे और आपको लिखना है। क्या लिखना है? 2/3, इधर 4/9, इधर 2/5, ऐसे करके आपको लिखना है। 7/10, अगर आपको ऐसे भी दिए जाएंगे ना, 2/5, 7/10, ऐसे कुछ भी नंबर ऐसे दिए जाएंगे वर्ड फॉर्म से, आपको फ्रैक्शनल नंबर ऐसे भी लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपको ऐसे पूछा जाएगा, डिटरमाइन 2/3 of 15 pence, ओके। 2/3 of 15 pence हम क्या लिखेंगे? इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कलेक्शन बोलते हैं। मतलब आपका ये 15 पेन रहेगा, ये हमारा एक कलेक्शन है, ओके, उसमें से आपको 2/3 लेना है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमको आंसर क्या मिलेगा 2/3 of 15 pence को? पेन का क्या आएगा? आपको ऐसे लिखना है 2/3 × 15, ये जो ऑफ है ना, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा कितना हुआ? 5/10। मतलब आपका जो 15 पेन दिए रहेंगे, उसी में से आपका 2/3 कितने पेन होगा? 10 पेन होगा 2/3, ओके, ऐसे आपको निकालना है। और सेकंड और एक दिया हूं एग्जांपल, इधर 2/3 of 27 balls, 27 2/3 of into 27, ये हमारा 18 balls हो गया। ऐसे करके आपको निकालना है, ये इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कलेक्शन। मतलब आपका एक ये बंच ऑफ बॉल्स रहेगा, बंच ऑफ पेन रहेगा, कुछ भी, बंच ऑफ कॉप रहेंगे, बंच ऑफ पेंसिल रहेंगे, बॉक्सेस रहेंगे, उसी में से आपको फ्रैक्शनल नंबर से आपको ये नंबर निकालना है, ओके, ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? नीलम हैज 25 pencils, ओके, सी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना, ओके, हाउ मेनी पेंसिल्स डज मीना गेट? हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम?
वो कैसे करेंगे? अभी मैं बोली हूँ कि उस वो फ्रैक्शनल ऑफ कलेक्शन वो कैसे करेंगे? हमको आंसर लिखना है। नीलम के पास कितना पेंसिल है? नीलम पेंसिल इजिकल टू 25। ओके, नंबर ऑफ पेंसिल्स सी गेव टू मीना इजिकल टू 4/5। ओके, आज पर क्वेश्चन नंबर ऑफ पेंसिल सी गेव टू मीना 4/5, मतलब इतना पोर्शन वो दिया है, इतना परसेंटेज वो दिया है, सॉरी परसेंटेज नहीं, इतना पोर्शन वो दिया है। तो अभी हाउ मच डिड सी गेट इज इक्वल टू 4/5 × 25। हमको पता है 25 का 4/5 वो दिया है, पेंसिल तो 25 था और 25 का 4/5 पोर्शन वो मीना को दे दिया, तो ये ऑफ दिस 4/5 ऑफ 25, तो हमारा कितना आया आंसर? हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम इज इक्वल टू 25 − 20। ये हमारा मीना लेगी, मीना को 20 मिल गया, 4/5 ऑफ 25 मतलब 20 मीना लेगी, तो 25 टोटल था नीलम के पास, तो और कितना बचा? तो 5 हो गया। ये हमारा आंसर, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स? एन आवर, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, हमको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन हमको क्वेश्चन पूछा गया है, कितना पोर्शन है 20 मिनट 1 hour का? व्हाट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 24/60। 1 hour का 24 मिनट्स पूछा गया है ना, तो उसका फ्रैक्शन कितना है? ठीक है, अभी 1 hour को हमने 60 मिनट में कन्वर्ट किया, जैसे कि हमको पता है 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 24/60, क्योंकि 24 हमारा इधर दिए गए हैं, तो 24/60 कितना है? 24/60 हमारा ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, अभी इसमें से ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? न्यूमरेटर आर लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो हम चेक करेंगे न्यूमरेटर किधर स्मॉल है, इसमें स्मॉल है, इसमें स्मॉल है, इसमें ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, ये हम चेक करेंगे, ये क्या है? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 = 2/1 और नॉट, तो 2/1 हो गया, तो ये हमारा 2 > 1, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया, तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ये भी 2 हमारा नहीं होगा। 16/16 वो भी नहीं होगा। क्यों? इज इक्वल टू 1,
16/16 इजिकल टू 1 हो गया, वो भी नहीं होगा। तो आपको इजीली आप याद रखोगे कि न्यूमरेटर, जब आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। देन हमारा आंसर कौन सा है, 1/2, 3/5, बस उतना ही, क्योंकि इधर हमारा बड़ा है, इधर भी बड़ा है। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको इधर पूछा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, कौन कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या कहता है, न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इधर कौन किधर है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है। न्यूमरेटर ग्रेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, सॉरी, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू भी चलेगा। तो इधर हमारा ये बड़ा है, ये हमारा हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि इधर न्यूमरेटर और इधर डिनोमिनेटर हमारा 1 है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर ये नहीं होगा। तो कौन सा है आंसर हमारा, 3/2, 9/4, 8/8, ओके, नेक्स्ट 3, 27/16, बस उतना ही। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अभी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ऐसे पूछा जाएंगे तो राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर 5 मतलब हमारा नीचे रहेगा, तो हमको कितना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चाहिए, और सभी में हमारा 5 होना चाहिए, हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, इक्वल ग्रेटर देन न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप डाल दो, कैसे करना है, 5 से ज्यादा होना चाहिए, इधर 5 है नंबर, तो 5 से बड़ा नंबर हमारा 6, 7, 8, 9, आप 5 भी ले सकते हो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोला गया है, और 10, ये हमारा इनप्रॉपर हो गया। ओके, अभी राइट 6 इनप्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 13। 6 हमको चाहिए, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो इधर हमारा न्यूमरेटर को 13 चाहिए, लिख दिए। मैं इधर आपको दिखाती हूं, पर आपको ऐसे एक एक करके लिखना है। तो हमारा न्यूमरेटर 13 हो गया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बड़ा होगा तो इसमें छोटा नंबर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 13, कुछ भी ले सकते हैं, हो गया। और 13 लिया तो भी चलेगा, 4 भी लिया तो भी चलेगा, बस इसमें से ये छोटा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में मैं आपको ये समझा चुकी हूं कि मिक्स फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन को कैसे जाना है। अभी हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा रूल क्या कहता है, ये हमारा एक होल नंबर है, इधर भी ये होल नंबर है, इधर भी होल नंबर है, फर्स्ट इसको करते हैं। तो हमारा रूल कहता है आज इट इज ये डिनोमिनेटर रह जाएगा, और डिनोमिनेटर के साथ ये जो होल नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 5 × 7 और 7 × 5, आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस ये जो फ्रैक्शन का, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। तो अभी आंसर हमारा कितना आएगा, 40/7, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा इसमें
ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 9 × 8 मल्टीप्लाई होगा प्लस ये जो नंबर है इधर ऐड हो जाएगा और ये हमारा रह जाएगा क्या डिनोमिनेटर रह जाएगा, ठीक है। तो 75/8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 × 10 ओके, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूं। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ये 3 आ गया, इधर 10, 63/10 आंसर हमारा हो गया। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू वन इनप्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं और हमारा ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन हम निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे दिए गए होंगे तो हमको कैसे निकालेंगे, 17/5 ये 5 इधर है 17 इधर है, तो हम 5 टेबल पे जाएंगे, 5 टेबल पे हमारा जो रहेगा उसी हिसाब से हम इधर डिवाइड कर लेंगे। पर इधर कैसे लिखेंगे, ये जो नंबर है ना ये हमारा होल नंबर हो जाएगा और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है हो गया। ये क्वेश्चन हमारा होल नंबर हो जाएगा, ये हमारा अभी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया ओके। नेक्स्ट 62 को ऐसे करेंगे तो कैसे, 7 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 टेबल पे ये आ जाएगा, ये 6 आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन को इधर लिखेंगे, रिमाइंडर को इधर लिखेंगे, ठीक है इस तरफ लिखेंगे और ये हमारा आज इट इज रह जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये 12 हमारा फुल, जितना भी डिजिट इधर रहेगा ना आप इधर फुल ही रहेगा, मतलब ये होल नंबर इधर ही रहेगा, बाकी रिमाइंडर जितना रहेगा इधर रहेगा, ये साइड आ जाएगा और ये हमारा डिविजर ये इधर रह जाएगा ओके हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे, वो कैसे, एक यूनिट लेंगे आप किधर भी ले सकते हो, मैं इधर 0 दी हूं और इधर आपको डिवाइड करना है, कितने नंबर चाहिए 1/2 हमारा किधर आएगा, इधर आप में आ जाएगा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा ओके। अगर इसको हम 4/4 लेंगे तो ये हमारा 3/4, ये जो 1/2 है ये 2/4 हो गया ना। एक यूनिट लेंगे इसको, एक यूनिट मतलब ये जो 1 हम इसको एक नंबरिंग करेंगे और इसको ये 0 है और इधर 1 ले दिया तो 4/4 = 1 हो गया। तो ये जो नेक्स्ट डिजिट रहेगा, नेक्स्ट यूनिट रहेगा तो वो 3/4 हो गया, 4/4 3/4 ये हमारा 2/4 हो गया, इधर हमारा 1/4 आ गया हो गया। अभी ये 1/4 ये 1/2 2/4 = 1/2 इधर 3/4 ये आपको कंफ्यूजिंग करके दिए गए हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो कि 2/4 = 1/2। तो
ये हमारा पॉइंट आ गया, ये भी हमारा पॉइंट आ गया नंबर लाइन पर। ओके आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट और एक नंबर लाइन, फिर से मैं जीरो लिया हूं तो आपको 1 2 3 5 7 8, ठीक है, इधर 4 बीच में से नहीं है, तो आपको बस जो जो पूछे गए हैं उसी नंबर को, उसी पॉइंट को आपको दिखाना है। तो फिर से हम लेंगे कैसे लेंगे, इतना तक हम लेंगे, ये जो यूनिट हम एक डिसाइड करेंगे कौन से यूनिट पर हम इसको डालना है, तो 1/8 हो गया। इसको अगर हम 8/8 लेंगे तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया ना, इसको हम नंबरिंग ए भी कर सकते हैं। और इधर हमारा आ गया 7/8, 6/8, ऐसे करोगे तो आपको इजीली आप उसको डिवाइड कर सकते हो, 6/8 देन 5/8 देन 4/8 देन 3/8, इसको मैं और थोड़ा 2/8, 1/8, इधर को मैं जीरो को ला लिया, जीरो इधर डाल दिया, ये हमारा 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, ओके 5/8, 3/8, 2/8, 1/8 और 7/8, ये दोनों पूछे नहीं गए हैं तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ओके ऐसे नंबर लाइन आपको लोकेट करना है, ये सारे पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।